हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू त्रिज्ञा ट्रिपल व्लॉग्स। आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप दोस्तों आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। लेह लद्दाख सीरीज के इस नए वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे आज कारगिल वॉर मेमोरियल। यदि आप श्रीनगर लेह हाईवे से लेह लद्दाख जाते हैं तो जैसे ही आप श्रीनगर लेह हाईवे पर जुजीला पास क्रॉस करेंगे उसके बाद आएगा द्रास टाउन, और द्रास टाउन से लगभग 8-10 किलोमीटर की दूरी पर आपको आपके लेफ्ट हैंड पर मिलेगा कारगिल वॉर मेमोरियल। ये कारगिल वॉर मेमोरियल कारगिल से लगभग 58 किलोमीटर पहले द्रास और कारगिल के बीच स्थित है। दोस्तों, कारगिल वॉर मेमोरियल 1999 के कारगिल युद्ध में बहादुर भारतीय सैनिकों की विशाल जीत के उपलक्ष्य में युद्ध की स्मृति में भारतीय सेना द्वारा बनाया गया एक युद्ध स्मारक है। 1998-99 की सर्दियों में पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पार की और हमारे कश्मीर के जो द्रास सेक्टर की टोलोलिंग और टाइगर हिल जैसी जो चोटियां हैं उस पर आक्रमण करके कब्जा करने की कोशिश की थी। लेह लद्दाख और कारगिल को श्रीनगर से जोड़ने वाला जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 1, उस पर पाकिस्तानी सेना अपना कब्जा करना चाहती थी, लेकिन हमारी इंडियन आर्मी ने मई 1999 में इस क्षेत्र पर फिर से कब्जा करने के लिए 1999 में ऑपरेशन विजय शुरू किया, जिसमें कि यहाँ पर जो कठोर पहाड़ी वातावरण होता है और भयंकर जो ठंड होती है उस बीच यहाँ पर युद्ध हुआ था। ऑपरेशन विजय लगभग 2 महीने से अधिक समय तक जारी रहा था। हमारी भारतीय सेना ने जोरदार जवाबी कार्रवाई करते हुए सभी चोटियों पर फिर से अपना कब्जा कर लिया। इस युद्ध में पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि दोस्तों, युद्ध के दौरान कई शहीदों और जवानों ने निस्वार्थ रूप से अपनी जान गंवाई और देश के लिए शहीद हो गए। कारगिल युद्ध स्मारक उनकी बहादुरी और बलिदान को श्रद्धांजलि है, और गुलाबी बलुआ पत्थर से बना हुआ यह ऐतिहासिक इमारत, ये ऐतिहासिक स्मारक बहादुरी और बलिदान का प्रतीक है। यहां पर लगभग 15 किलो वजनी विशाल भारतीय ध्वज भव्य रूप से फहराया गया है, और ये ध्वज सेना के जवानों द्वारा किए गए बलिदान की कई अनकही कहानियां बताता है। यह स्मारक ठीक उसी स्थान पर बना हुआ है जहां पर की कारगिल का युद्ध हुआ था। यह है दोस्तों अमर जवान ज्योति, इसे हमेशा जलाए रखा जाता है। लॉग के ठीक ऊपर ऑपरेशन विजय पथ शब्दों वाला एक टावर है जिस पर हमारा भारतीय झंडा ऊंचा फहराया हुआ है। इसके पीछे मेमोरियल वॉल है जिसमें कारगिल युद्ध में शहीद हुए सभी शहीदों के नाम है। इसके बाईं ओर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर छोटे छोटे पत्थरों पर शहीदों के नाम उकेरी गई कतारबद्ध शिलाएं लगी हुई हैं, जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। और इनमें से बहुत सारे तो ऐसे भी थे जो कि मात्र 25 से 30 वर्ष के सैनिक थे। यहाँ पर आकर बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि या तो रोए ना हो या फिर उनकी आंखें नम ना हुई हों। दोस्तों, इस वॉर मेमोरियल में एक मिग फाइटर जेट और कुछ अन्य तोपें और इसके अलावा सेना के वाहनों को भी रखा गया है, जिसमें से एक है ये बोफोर्स तोप। बोफोर्स तोप कारगिल युद्ध में भारत की जीत का एक सबसे अहम हथियार बना। बोफोर्स तोप 27 किलोमीटर की दूरी तक गोले दाग सकती है। बोफोर्स तोपों की गिनती दुनिया की सबसे घातक तोपों में होती है। इन हथियारों का यूज करके दुश्मन देश को धराशाही कर दिया गया था। ये वो हेल है जिसके पीछे से पाकिस्तानी सेना आकर बैठ गए थे और यहाँ से हमारी सेना पर फायरिंग किए गए थे, और ये जो NH-1 है इसको
बंद करवाने की कोशिश की गई थी। इसके बाद यहाँ से ये जो व्यू दिखता है, ये व्यू है सामने जो दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगुलर शेप में सबसे पहले ये टाइगर हिल है, उसके बाद इधर बत्रा हिल है, और ये पूरे एरिया को यहाँ पर इन लोगों ने कैप्चर किया था। इसे द्रास सेक्टर जो है पूरा, यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर का पूरा हिल है, ये पूरा एरिया है जिस पर उन्होंने कब्जा करके ये किया गया था। इस हिल के पीछे 9 किलोमीटर के पीछे पाकिस्तान है, और टॉप पे हमारी पोस्टर्स हैं, पोस्ट हैं, मिलिट्री पोस्ट हैं, जिन पर जाकर अब कंटिन्यू निगरानी की जाती है, चाहे वो फिर समर हो या विंटर हो। दोस्तों, कारगिल वॉर के समय भारतीय वायुसेना ने कारगिल युद्ध में ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया था। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ मिग फाइटर जेट का भी प्रयोग किया था। यहां पर आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। मिग 27 की मदद से इस युद्ध में उन स्थानों पर बम गिराए गए थे जहां पर पाकिस्तानी सैनिकों ने कब्जा कर लिया था। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कारगिल युद्ध कब हुआ था। हमने अखबारों में पढ़ा, हमने टीवी पर खबरें देखी, और रेडियो पर भी हमने सुना, फिर हम भूल गए या फिर याद फीके पड़ गई। लेकिन जो कुछ हुआ है उसे दर्शाने के लिए भारतीय सेना की यह एक खूबसूरत रचना है। हमने बहुत सारे सैनिकों को खो दिया, और ये दिल दहला देने वाला है। यह जगह आपके रोंगटे खड़े कर देती है। आप वास्तव में टोलोलिंग के इलाके और टाइगर हिल जैसी उन चोटियों को देखते हैं जहां पर हमारे सैनिकों ने लड़ाई लड़ी थी, जबकि वो जगह ऐसी है जहां की आप ठंड सहन नहीं कर सकते, और कम ऑक्सीजन की वजह से आपको वहां पर सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। हमारे सैनिक हमारे देश के रत्न कश्मीर को बचाने के लिए उस असंभव इलाके में भारी मात्रा में तोपखाने लेके जा रहे थे, हथियारों के साथ लड़ रहे थे। ये ऐसी जगह है जो कि आपको देशभक्ति से ओतप्रोत कर देगी। दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजियम भी है, और इसके अलावा यहाँ पर एक कैफे भी है। वहाँ पर आप कुछ स्नैक्स, टी, कॉफ़ी, मैगी वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक छोटी सी 10 मिनट की मूवी भी दिखाई जाती है, तो उस मूवी को भी आप यहाँ पर जरूर देखें। दोस्तों, कारगिल वॉर मेमोरियल श्रीनगर ले हाईवे पर लद्दाख जाने वाले टूरिस्ट के लिए एक मस्ट विजिट प्लेस है। ये एक ऐसी जगह है जो आपको देशभक्ति से भर देगी। यहाँ पर आप एक बार जरूर आइएगा। कारगिल वॉर मेमोरियल में द्वार पर उकेरा गया है कि जब आप घर जाएं तो लोगों को जरूर बताएं कि आपके कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान किया है। ये पंक्तियां किसी भी भारतीय को गौरवान्वित होकर शहीद सैनिकों के प्रति शीश नवाने को बाध्य कर देती हैं। ये एक मस्ट विजिट प्लेस है सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में कारगिल वॉर मेमोरियल का यही टूर था आपके लिए। तो वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे तो आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।